सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल एस एम एड नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एम एड नॉलेज दोस्तों आज हम जानेंगे पैरालिसिस का संपूर्ण इलाज और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं किन कारणों से पैरालिसिस हो जाता है ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरालिसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनमें से पहला सिम्टम्स है अचानक से यादाश्त में कमी हो जाना अचानक बोलने में दिक्कत होना हाथ पाँव में कमजोरी रहना हाथ पाँव का हिलना कम दिखाई देना और बॉडी का सुन्न होना किसी पोल्टल अंग का सुन्न होना और उसमें ताकत कम होना चेहरे का टेढ़ा होना खासकर माउथ का टेढ़ा होना देखा गया है ये सभी सिम्टम्स पैरालाइसिस के होते हैं जिसे हम हिंदी में लकवा कहते हैं अब हम जान लेते हैं पैरालसिस क्यों होता है इसके क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि पैरालसिस हो जाता है लकवा क्या आम होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं लकवा मुख्य रूप से पाँच स्टेज में होता है उनमें से यदि पहली स्टेज होती है तब डॉक्टर के द्वारा एक स्टोरेड मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम है मेथाइल फेडनीसोलॉन या फ्रेडनीसोलोन इनमें से कोई एक टेबलेट और उसके अलावा विटामिन टेबलेट दी जाती है जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है जैसे कि एम होलीबियन या ओप्टी न्यूरान इनमें से कोई एक इंजेक्शन आईवी रूट से या आईएम रूट से लगाया जाता है और इन टेबलेटों का यूज दिन में दो बार डॉक्टर के द्वारा एडल्ट पेशेंट को दिया जाता है और जो दूसरी से तीसरी स्टेज होती है तब डॉक्टर के द्वारा साइनोकोबालिन इंजेक्शन या हाइड्रोक्सीकोबालामिन इंजेक्शन को दिन में दो बार आई वी रूट से और आई एम रूट से किसी भी रूट से लगाया जाता है और ये जो टेबलेटें मैंने पहले बताई थी स्टोड मेडिसिन और बी कॉम्प्लेक्स मेडिसन्स विटामिन टेबलेट इनका भी यूज सुबह शाम दिन में दो बार किया जाता है और जब तीसरी या चौथी स्टेज होती है हाइड्रोक्सीकोबालामिन इंजेक्शन और साइनोकोबालामिन इंजेक्शन को देने के साथ सिटीकोलिन इंजेक्शन और सिटिकोलिन टेबलेट का यूज किया जाता है साथ ही न्यूरोबियन न्यूरोनफोर टेबलेट और कोई एक स्टोयड मेडिसिन का यूज किया जाता है और जब चौथी या पांचवी स्टेज होती है जो कि लास्ट स्टेज से लकवा की होती है तब डॉक्टर के द्वारा सिटिकोलिन इंजेक्शन देने पर यदि ट्रीट नहीं होता है तब डॉक्टर के द्वारा कॉम्पलामीना इंजेक्शन आता है और उसी की ही टेबलेटें होती हैं कॉम्पलमिना इंजेक्शन को दिन में दो बार या दिन में तीन बार भी आवश्यकता होने पर लगाया जाता है कभी कभी डॉक्टर दिन में एक बार भी लगाते हैं और जो टेबलेट होती है कॉम्पलामीना इसका भी यूज दिन में दो से तीन बार किया जाता है जब लास्ट स्टेज या पैरालिसिस की होती है और साथ ही विद्युत थेरेपी मशीन का यूज किया जाता है वही पर्टिकुलर अंग पर जहाँ पर पैरालिसिस हुआ हो जहाँ का अंग कार्य करना बंद कर दिया हो वहाँ का अंगसुन हो जाता है उसी को हम पैरालसिस कहते हैं और बहुत से डॉक्टर कोम्पलामिना इंजेक्शन के साथ सिटिकोलिन इंजेक्शन दोनों का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है और बहुत से डॉक्टर करते हैं जिससे कि पेशेंट को बहुत ही जल्दी काफ़ी हद तक आराम मिल जाती है और इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार यदि किसी अन्य प्रकार की टेबलेट या इंजेक्शन का यूज़ करें तो कर सकते हैं तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो पैरालिसिस की यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स